यूपी में 29 मई को दो सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के दो एमएलसी प्रत्याशियों ने बीजेपी और उसकी गठबंधन वाली पार्टी के नेताओं को चिट्ठी लिखकर खुद को वोट देने की अपील की है। तर्क दिया गया कि बीजेपी दलित और पिछड़ा विरोधी है, जबकि समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े और दलितों की आवाज उठा रही है। बीजेपी ने सपा प्रत्याशियों की चिट्ठियों पर चुटकी ली है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में क्या हारी? ऐसा लगता है कि उसके नेताओं को अब अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा है। शायद यही वजह है कि यूपी में दो सीटों पर हो रहे एमएलसी चुनाव में सपा के दोनों प्रत्याशियों ने बीजेपी और उसके घटक दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के लिए कहा है। सपा के दोनों प्रत्याशी राम जतन राजभर और राम करण निर्मल ने योगी सरकार में पिछड़े वर्ग से आने वाले सभी नेताओं से अपील की है और लिखा है कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए काम करती है और उनको बढ़ावा देती है, इसलिए सभी विधानसभा सदस्यों को समाजवादी प्रत्याशियों का इस चुनाव में समर्थन करना चाहिए। दोनों ही सपा प्रत्याशियों ने ये चिट्ठी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रम मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री दिनेश खाटी और गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को लिखी है। सपा के एमएलसी प्रत्याशियों के बीजेपी नेताओं को चिट्ठी लिखने और समाजवादी पार्टी को वोट करने की अपील पर बीजेपी ने चुटकी ली है। मुझे लगता है कि जिस तरह से 2014, 17, 19, 22 में लगातार जनता का प्रेम भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसी तरह हर छोटे बड़े चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता विकासवाद के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा के एमएलसी प्रत्याशियों ने अपने समर्थन में वोट करने के साथ ही चिट्ठी में बीजेपी पर निशाना भी साधा है और लिखा है कि बीजेपी की सामाजिक नीति में भारी खोट है। बीजेपी में गरीबों दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी हमेशा सामाजिक न्याय की विरोधी रही है, इसलिए बीजेपी को वोट न करें। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी और सपा ने दो दो उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव अहम है क्योंकि विधानसभा परिषद में उसके पास 9 सीटें हैं, जबकि नेता विपक्ष के लिए उसे 10 सीटों की जरूरत है। ऐसे में सपा हर हाल में एक सीट जीतना चाहेगी। आपको बता दें कि यूपी में एमएलसी की दो सीटों के लिए 29 मई को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।